हेलो गाइस, मैं हूं दीपक सुतार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद अकेडमी ऑफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ आपके ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। इफ यू हैवंट बीन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, जस्ट डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। सो लेट अस टॉक अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो नंबर 5, यानी हमने अलग अलग रूल्स के जरिए एक्टिव पैसिव को समझाया है। हमारे कुछ और भी वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बट बिफोर यू गो टू लर्न एक्टिव पैसिव वॉइस, यू हैव टू लर्न अबाउट टेंसेस। सो टेंसेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन लर्न। सो नाउ एक्टिव पैसिव रूल के वॉइस के रूल नंबर 5, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में से पैसिव कैसे चेंज होता है उसके बारे में सीखते हैं। एक्टिव पैसिव में, यानी कि सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस स्ट्रक्चर आनी चाहिए, उसके बाद आप एक्टिव में से पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब पास्ट है और परफेक्ट है तो क्या आएगा, हैव। यदि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो हैव आएगा और हैज आएगा। इसी तरह हैव हैज का पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या आएगा, प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द। ये कौन से स्ट्रक्चर हुई, एक्टिव। अब हमें ये एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव में करना होगा तो क्या करना होगा, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या है, एक्टिव। अब एज वी नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्टिव टू पैस मेक चेंजेस एक्टिव इनटू पैसिव। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सबसे लास्ट में हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले। तो इसी तरह का चेंजेस होता है। तो चलो अब पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। यानी कि कौन कौन से चेंजेस पैसिव में किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट लास्ट में हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा एक्टिव और पैसिव वॉइस में आगे आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हेड आएगा, उसके बाद बीन आएगा, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर हम सॉल्व कर रहे हैं। एज बीन प्लस वर्बो थ्री, वर्बो थ्री, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या उसके बाद बाय आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। यहाँ बाय आपको याद रखना है कि हर एक पैसिव वॉइस में बाय तो आता ही है, बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में ही होगा तो ही मार जाएगा, सी होगा तो हर आ जाएगा, इसी तरह सब्जेक्ट आ जाएगा, इसी तरह का चेंजेस होता है। प्लस अदर वर्ड्स, यदि है तो अदर वर्ड्स, ये कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस की। तो नाउ लेट अस लर्न अबाउट एग्जांपल। एग्जांपल, सपोज इफ समवन इज कैप्चरिंग योर वीडियो देन व्हाट विल ही विल डू, यानी कि कोई हमारा वीडियो खींच रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, यानी कोई वीडियो कोई खींच रहा है, हमें ये लिखना खींच रहा था क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसलिए सपोज कि आपका वीडियो कोई विपुल नाम का लड़का खींच रहा है, तभी विपुल, यहाँ पे सब्जेक्ट विपुल आया, उसके बाद हेड, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब थ्री यानी कैप्चर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि वीडियो क्लिप। ओके, तो अब देखते हैं ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, विपुल सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद कैप्चर यानी कि वर्ब थ्री, उसके बाद वीडियो क्लिप यानी कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो इसी तरह के अब हम देखेंगे कि पैसिव में चेंज कैसे होता है विपुल, यानी सबसे पहले वीडियो क्लिप का है ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, और विपुल क्या है सब्जेक्ट,
तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि वीडियो क्लिप हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब थ्री यानी कैप्चर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा बाय बाय। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे विपुल है, यानी हम विपुल भी लिख सकते हैं, और हिम यानी कि ये क्या है सिंगुलर फॉर्म है, ही शी इट और इट, यानी कि विपुल के लिए हम हिम भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह पैसिव में चेंजेस होता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल थ्रू समझ में आ गए होंगे। चलो अब दूसरे कुछ ज्यादा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। हेलो गाइस, चलो अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करना है। चलो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ही हैड रिटर्न अ लेटर, यहाँ पे जैसे हमने सीखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा पैसिव में। तो चलो देखते हैं यहाँ पे अ लेटर, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि अ लेटर, उसके बाद क्या आ जाएगा हेड, उसके बाद जैसे हमने देखा कि बीन, उसके बाद वर्बो थ्री यानी कि रिटर्न, उसके बाद बाय तो है, और ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। ये पैसिव में चेंज हो गया, लगता है ना इजी। इसी तरह चलो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और लाइक यहाँ पे और लाइक क्या है ऑब्जेक्ट और यू क्या है सब्जेक्ट। ओके, तो अलाई ऑब्जेक्ट सबसे पहले पैसिव में आता है, यानी अलाई, उसके बाद हैड, उसके बाद बी, वर्ब थ्री यानी टोल्ड, उसके बाद बाय, और उसके बाद यू का क्या हो जाएगा बाय, यू का यू ही रहेगा। ओके, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरह अब एक्टिव में से हमने जैसे पैसिव किया, इसी तरह एक्टिव में से पैसिव में से एक्टिव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हिम है क्योंकि हमेशा पैसिव में सब्जेक्ट पीछे रहता है, यानी हिम का क्या होगा एक्टिव करना है तो ही, उसके बाद हेड, बीन आएगा नहीं आएगा। ओके, ही हैड, उसके बाद वर्ब थ्री यानी कि ब्रोकन, अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे हम पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसी तरह एक्टिव में सबसे पीछे रहता है ही हैड ब्रोकन माय स्लेट। ओके, ये क्या हो गया एक्टिव था और पैसिव था और एक्टिव हो गया। ओके, लगता है इजी कैसे एक्टिव में से पैसिव करना है, पैसिव में से एक्टिव करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको सोल्व करके कमेंट में हमें कमेंट में लिखना है, हम आपको बताएंगे कि सही है या गलत है। ओके गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। बाय फ्रेंड्स।